गेमिंग स्टार के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों के अवसर के बाद हम लोग रिटर्न आए हैं COC पे, मगर आपको देख के खुश ये मिलेगा कि आज नया अपडेट भी आ चुका है। नया अपडेट में कुछ नए ट्रूप्स को थोड़े सुपर पावर्स मिले हैं, वो सबने देख चुका रहेगा, शायद यूज़ अप भी कर चुका रहेगा, बहुत अच्छी बात है। मगर इसके बाद अभी क्लैन वॉर लीग्स आ रहा है और उसके लिए सब लोग प्रिपरेशन के लिए रेडी है। 7 दिन का कंटिन्यूसली ब्लॉकबस्टर्स होने वाला है और सब लोग ध्यान देंगे यार, कुछ ना कुछ तो ऐसा हमें रिवॉर्ड मिले और अच्छे अच्छे बोनस कलेक्ट कर सके और अच्छा सा स्ट्रैटेजी मिले। तो यार मैं आपके लिए एक कॉम्बिनेशन देखना है कि 6 यतीज होना चाहिए और स्टार्टिंग में क्वीन वॉक या वॉर्डन वॉक से स्टार्टअप करना है और एक आइस गोलम रखना है और 6 बॉलर्स। और ये शायद मैं आपको बोल सकता हूँ वॉर्डन आपके थोड़े मैक्स आउट नहीं रहेगा तभी कोई मामला नहीं यार, मगर यार आपको ये देख के खुशी होगी कि यार क्या यार 3 स्टार जो निकलेगा, मैं आपको 2 अटैक दिखाऊंगा यार, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और आपको पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चल के मैं लाइक तो ठोक देना यार, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक तो कर देना एटलीस्ट यार। तो देखना यार किस तरह का स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं और मुझे अटैक्स आप लोग भी ट्राई करके बताना यार कैसा लगा, और शायद आप लोग को मज़ा आएगा तो यार क्लैन वॉर लीग में भी यूज़ करना। ठीक है चलो शुरू करते हैं। देखिए मैंने वॉक स्टार्ट किया है यहाँ पर थोड़े, मतलब जो भी डिफेंस से थे और जो भी टावर्स थे सब अंदर थे, तो इसके लिए मैंने ट्राई किया कि मैंने आर्चर बॉक्सेस किया, मैंने क्वीन बॉक्स से स्टार्टअप किया। ये तो मोस्टली मैं तो वॉर्डन बॉक्स ही स्टार्ट करता हूँ, वॉर्डन बॉक्स हम लोग को बहुत पॉजिटिविटी देता है, थोड़ा टाइम लगता है हार्डली, मतलब 1 मिनट तक तो मैं वॉर्डन बॉक्स लेके जाता हूँ। अब देखो मेरे को मेरे सब जो ट्रुप्स थे यति वती सब माइंड सब अंदर की तरफ जाना चाहिए था, ये वॉल्स की तरफ, ये मोटर की तरफ से, तो मैंने एग्जैक्टली वही लोकेशन पूरा फनल किया और मैंने फनल को एकदम मस्त अच्छे से क्रिएट किया। और जैसे क्रिएट होने के बाद मैंने अपना सीज बैरक पुटअप किया, सीज बैरक से मेरे को सीज बैरक इसके लिए पुट किया मैंने कि मेरे पास विजार्ड्स नहीं थे इतने सारे, मैंने एक ही विजार्ड लेके आया था, एक ही, बाकी सब विजार्ड्स में डिपेंडेंट था। और मैंने फनल एज यूजुअली मैंने फनल के लिए अपने ईड्रैक को यूज़ किया था, बहुत बढ़िया। इसके कोई भी यार सीसी में कुछ भी रहे तो आप इजीली कवर अप कर सकते हैं पॉइजन से। और आजकल तो मैं पहले बोल दूँ यार, जब से सुपर वॉल ब्रेकर आया तो यार खत्म, गेम तो आर फाड़ू हो जाएगा, फाड़ू पाड़ू, मतलब यार एक सुपर वॉल ब्रेकर के लिए 1 लाइक तो बनता ही है जरूर जरूर। क्या बढ़िया अटैक यार, कोई अटैक देखने सोचना ही नहीं पड़ता है। अभी उसके अंदर आप सीसी में आप कलेक्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा हॉग लो अगर आप सीज पैरक लेके आते हो, और हॉग्स के पीछे ही आपको अपने ग्रैंड वार्डन पुट करना है, रॉयल चैम्पियन और ग्रैंड वार्डन तो आप एज यूजुअली चलते बैठे। आपके यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी में आप ये भी देखोगे कि आपके जो हीरोज रहेंगे वो भी ज़्यादा मरेंगे नहीं और ज़्यादा आपके ट्रूप भी यूज़ नहीं होंगे, मोस्टली आप 3 स्टार ही गेन करोगे, नहीं तो मोस्टली आप 90% के क्लोज रहेंगे आप जिस तरह से यूज़ करोगे। नहीं तो मैं तो चाहूँगा कि आप 3 स्टार इजीली, यार देखो इतना इजीली मैं कर पाया तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप TH12 तक भी देख सकते। एक और एक अटैक मैं आपके लिए लाया, ये अटैक दीजिए, देखिए अब मुझे पता है ये तो थोड़ा क्रिटिकल था, मतलब किस तरह से अटैक स्टार्ट की जाए। तो मैंने अपना 6 सेंस वाला दिमाग यूज़ किया और मैं आपको बता दूं कि मैंने तो वॉर्डन वॉक से स्टार्ट किया था। वॉर्डन वॉक का भी आपको किस तरह से यूज़ करना है, वॉर्डन वॉक आप मोस्टली फनलिंग के लिए यूज़ करें, जो एक साइड से देखिए फनलिंग के लिए मैं बोलूँगा आपको सजेस्ट करूँगा वॉर्डन वॉक या बहुत बहुत बेस्ट है बेस्ट, मगर थोड़ा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा जाता है, मगर यार मगर जो हम लोग को फनल एग्जैक्टली जो क्लियर अप होता है वही ऐसे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने वॉर्डन वॉक क्लियर अप किया, यहाँ से बाद में जो इतना ऑप्शन था जहाँ पर कोई वॉल्स नहीं थे वहाँ पर वो पोर्शन में अपने मैं सीज बैरक्स को पुट अप करूँगा, और जो मुझे मेन एम था टाउन हॉल क्लियर हो जाएगा तो सेकंड वॉल्स तो मैं अपना मेरे यति तो आराम से क्लियर करते। देखिए यति का स्टार्टिंग में फ़ायदा है कि वो स्टार्टिंग में यति और यति माइट्स का दोनों काम करते हैं, उसके बाद यति माइट्स ख़त्म हो जाते हैं वो जाइंट का काम कर लेते हैं, तो ये तो बहुत अच्छे। मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद टावर जैसी जैसी क्लोज आप पहुँचेंगे सिंगल टारगेटिंग में तो अपने रॉयल चैंपियंस को एक साथ भेजना है। हाल ही यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से कि हॉक थोड़ा जल्दी में सेंड हो गया, मैं ग्रैंड रॉयल चैंपियन थोड़ा लेट हो गया, तो मैं तो इसको कवर अप करने के लिए मैंने रेज और हील को मैंने एक साथ यूज़ किया, सॉरी हील को नहीं, एक्चुअली हील मोस्टली यूज़ करता हूँ मैं जब भी
काफ़ी बार, नहीं तो आप हील नहीं यूज़ करके तो यार मैं तो रेज में ही काम तमाम कर देता हूँ आजकल तो। और अगर आप मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं आप 5 हॉग अपने सीसी में कैरी करके से। और इसके इसके लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपके पास मैक्स हॉक होना चाहिए, लेवल 9 का हॉक जी बहुत काम का यार, लेवल 9 लेवल 8 तक आप काम कर सकते हैं। मैं बोलूँगा यार बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर देखिए रॉयल चैम्पियन अभी तक, अभी रॉयल चैंपियन वॉक्स हो गया है। ये स्ट्रैटेजी का सबसे पावरफुल क्या मालूम है, अगर आपके दो हीरो डाउन भी हो जाते हैं, आपकी क्वीन और वार्डन डाउन भी हो जाते हैं, तो रॉयल चैंपियन पे क्वीन वॉक स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बार रॉयल चैंपियन पे क्वीन वॉक स्टार्ट तो मतलब यार समझ जाओ सब डिफेंस खत्म, सब डिफेंस। तो ये थी आपकी नई स्ट्रैटेजीज, और कैसा पसंद आया तो प्लीज़ ट्राई करना। ट्राई करने के बाद मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा आपको लगा, और ये आपको देखते हुए ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे देना, ठोक देना। मिलते हैं नई वीडियो में, और नई वीडियो में आपको मैं कुछ अच्छे सारे स्टफ्स बताने वाला हूँ, अच्छे सारे जो आपको दिल थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखिए हमारी टीम एवेंजर वाली टीम अभी फाइट कर रही है एक COC बाय करके, और उसमें जो स्ट्रैटेजी यूज़ किया गया है स्टार्टिंग के 3 अटैक स्ट्रैटेजी, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और कुछ एक बड़ा सा